इस लेक्चर में हम लोग मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस का यूज करके कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, स्पेशल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करेंगे जिसमें कि करंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स हो, और ऐसे सर्किट्स जिसमें सुपर मेश या सुपर नोड हो, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग एग्जांपल वन देखते हैं। डिटरमाइन द करंट थ्रू 5/3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इस दिए गए सर्किट में 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में 2/3 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इधर भी देख रहे हैं कि 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में 2/3 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम इस सर्किट को नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली नोडल एनालिसिस का यूज़ करके और मेश एनालिसिस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारा करंट सोर्स और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर भी जो करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, इसको हम इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, तो उस फार्मूला का यूज करके, उस मेथड का यूज करके हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है और 2/3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो होगा आपको, वोल्टेज सोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I × R के बराबर, यानी कि 10 एम्पियर का आपका करंट सोर्स है और 2/3 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि आपको जो वोल्टेज सोर्स होगा वो 20/3 वोल्ट का होगा। तो 20/3 वोल्ट का हम एक वोल्टेज सोर्स लगाए और जितना रेजिस्टेंस इस करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड था, उतना ही रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होगा और ये हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। तो इसको हम उस करंट सोर्स को हटा करके उस सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट सोर्स है और 2/3 ओम का इसमें एक रेजिस्टेंस है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा I × R। तो करंट है आपका 6 एम्पियर का और रेजिस्टेंस है 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3×6, यानी कि 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा और जितना रेजिस्टेंस का जितना वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्टेड था, उतना ही रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होगा। यानी कि इस करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को हम उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। करंट के डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पे हमारी इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी होगी। अब हमारा सर्किट जो है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हमें सिर्फ एक लूप दिख रहा है, तो हम मेश एनालिसिस का यूज करके और इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो हम मान लेते हैं कि इस लूप में जो करंट है वो I करंट फ्लो कर रहा है। इस लूप में, पूरे लूप में I करंट फ्लो कर रहा है। तो किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार जो भी ब्रांचेज इस लूप में कनेक्टेड हैं उनके अक्रॉस का वोल्टेज का अल्जेब्रिक सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो पहले हम इस ब्रांच का अगर हम वोल्टेज लिखना चाहें, तो इस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो वोल्टेज सोर्स का अगर हम लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, लूप का जो डायरेक्शन है हमारा, इस डायरेक्शन में हमें पहले माइनस मिल रहा है फिर प्लस मिल रहा है, तो हम लिखेंगे -4। उसके बाद आपका 2/3 ओम जो रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो इसको रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस जो है इसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस का, यानी कि 2/3 ओम का रेजिस्टेंस था, इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। और इस दौरान हमें
जो करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी कि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे, तो करंट जो है हमारा इस रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार इसका जो वोल्टेज होगा पोलरिटी होगी, यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे माइनस होगी, और वोल्टेज होगा कितना, तो रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेजिस्टेंस है आपका 5/3 और जो करंट है वो है आई, और ये भी आपका प्लस में होगा क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस या सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो इसका जो वोल्टेज है वो जीरो होगा। उसके बाद हम इस ब्रांच में अगर चलें तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यह एक वोल्टेज सोर्स है तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको -20/30 लिखेंगे। ये वोल्टेज सोर्स ही है और ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो इस रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वोल्टेज होगा, तो 2/3 ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं लूप में, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। यानी कि इस लूप में जो भी ब्रांचेज है उसके क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, और इसका अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार। तो यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिखा है। यानी कि उस लूप में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाने के बाद हमने ये लिखा है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई वाला टर्म यहाँ पे है, आई वाला टर्म यहाँ है और यहाँ है, तो ये तीनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 5/2 7, 7/2 9, यानी कि 9/3 I हो जाएगा, तो इस आपको यानी कि 3 I हो गया, और जो -4 है और यहाँ पे आपको -20/3 है, तो ये दोनों आपको राइट हैंड साइड में कर देंगे तो हो जाएगा 32/3। यहाँ से हम I का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 32/9 A, यानी कि उस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें पता चल गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जो 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस था उसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा था, जैसा कि हमने सर्किट में देखा, तो यानी कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो 32/9 A होगा। हेंस करंट थ्रू 5/3 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 32/9 A। इसी क्वेश्चन को अब हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि जो सर्किट आपका दिया हुआ था इसको हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे बिना कन्वर्ट किए हुए। तो ये जो सर्किट दिया हुआ है तो इसमें आपका एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है, दो मेन नोड हैं, और इसके ये जो दो जंक्शन ये नोड आपको दिख रहे हैं ये दोनों सेम ही नोड है, यानी दोनों को आप कॉमन ये नोड कह सकते हैं क्योंकि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये वाला नोड दोनों एक ही जगह पे है, ऐसा हम इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस नोड को, इसको नोड वन अगर हम कहें तो इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं कि V1 है, और ये वाला जो नोड है इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं कि V2 है। तो नोड एनालिसिस का यूज करेंगे हम, और इस नोड पे, नोड वन पे हम किरचॉफ्स का करंट लॉ यानी कि KCL अप्लाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से फिर हम इस नोड टू पे एक और KCL अप्लाई करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है V1 और V2, तो दो इक्वेशन से हमें सॉल्व हो जाएंगे तो हमें V1 और V2 का वैल्यू पता चल जाएगा, और जब V1 V2 का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट भी हम पता कर सकते हैं। तो पहले हम इस नोड वन पे हम KCL अप्लाई करेंगे, तो KCL कहता है कि नोड पे, किसी भी नोड या जंक्शन पे जितने भी करंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम जो है वो जीरो होगा। तो इस नोड पे एक करंट है 10 A का आ रहा है, तो आने वाले करंट को हम माइनस में लिखेंगे, तो -10 A हमने इसको लिख लिया क्योंकि ये नोड की तरफ आ रहा है। दूसरा जो है इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा, तो इस ब्रांच का जो करंट है वो नोड से दूर जा रहा है, तो हम इसको नोड से दूर जाने वाले करंट को प्लस में लिखेंगे, और कितना करंट होगा तो ये डिपेंड करता है वोल्टेज का जो डिफरेंस है, यहाँ का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो जीरो है,
डिफरेंस नोड है ये, और यहाँ का V1 है, तो जो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका हो गया V1 माइनस जीरो, और जो रेजिस्टेंस है उससे भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा, यानी कि जो इसके अक्रॉस 2/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 माइनस जीरो, और रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो इसके थ्रू हमें करंट पता चल जाएगा। और चूंकि हमने यहाँ पे V1 माइनस जीरो लिखा है, यानी कि V1 हमारा हायर पोटेंशियल पे हमने एज्यूम किया, इसलिए करंट का डायरेक्शन V1 से जीरो की तरफ होगा। अगर हम यहाँ जीरो माइनस V1 लिखेंगे तो उस केस में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तीसरा जो हमारा इस नोड से जो ब्रांच कनेक्टेड है वो है आपका 2/3 ओम वाला ये ब्रांच कनेक्टेड है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको हम लिखेंगे। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आपको V1 माइनस V2, क्योंकि इसका जो दो टर्मिनल है एक इंड का वोल्टेज V1 है, दूसरे इंड का वोल्टेज V2 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 माइनस V2 है। तो V1 माइनस V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको रेजिस्टेंस से हम भाग लगाएंगे, रेजिस्टेंस से 2/3, तो हमें इसका थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ V1 माइनस V2 लिखा, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो V1 से V2 की तरफ होगा, यानी कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। और एक और ब्रांच कनेक्टेड है इस नोड से, और उस ब्रांच में 6 एम्पियर करंट नोड से दूर जा रहा है, यानी कि +6 लिखेंगे, यानी कि नोड 1 से जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उन सब का अलजेब्रिक सम हमने लिख लिया, जो भी करंट फ्लो हो रहे हैं और उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, ये किरचॉफ्स का करंट लॉ कहता है। तो यही हमने आपको लिखा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे लेफ्ट द वोल्टेज ऑफ नोड 1 इज V1, हमने मान लिया था कि नोड 1 का वोल्टेज V1 है और नोड 2 का जो वोल्टेज है वो V2 है, और नोड 1 पे हमने KCL अप्लाई किया। KCL अप्लाई करने के बाद वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, V1 को एक जगह कर लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 2/3 रिवर्स होगा, तो आपका 3/2 V1 हो जाएगा। यहाँ से भी 2/3 जब रिवर्स होगा तो 3/2 V1 और ये 3/2 V2 भी होगा। यहाँ 6 और ये -10 मिल के आपको हो जाएगा ये 4 राइट हैंड साइड में, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 6V1 -3V2 = 8। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार से अब नोड 2 पे भी हम KCL अप्लाई करेंगे। तो नोड 2 पे KCL अप्लाई करते हैं, देखिए सर्किट को पहले देखते हैं हम। तो ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हम नोड 2 हमारा ये है, तो नोड 2 पे जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका अलजेब्रिक सम हम 0 करेंगे। तो इस नोड 2 पे पहले हम इसको ले लेते हैं, मान लिया जाए कि नोड की तरफ 6 एम्पियर करंट आ रहा है, तो जो नोड की तरफ आ रहा है उसको हम माइनस में लिखते हैं, -6। उसके बाद एक ब्रांच ये वाला कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन भी हमें पता नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे चूंकि नोड 2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम V2 - V1 हमने यहाँ पे लिख लिया, मान लिया कि V2 का पोटेंशियल ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है V1 - V2 लिखिए या V2 - V1 लिखिए। तो और जो रेजिस्टेंस है 2/3 ओम, तो 2/3 ओम से हम भाग लगाएंगे रेजिस्टेंस से, तो हमें इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। और डायरेक्शन जो है हमने यहाँ पे चूंकि V2 - V1 लिखा है, तो V2 - V1 कहने का मतलब है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो हमने माना कि V2 से V1 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो V2 से V1 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो है यानी कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है, इसलिए हम इसको प्लस में लिखेंगे। फिर एक और ब्रांच कनेक्टेड है, 5/3 ओम वाला ब्रांच कनेक्टेड है, तो इसको हम जो 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके एक इंड का वोल्टेज V2 है, दूसरे इंड का वोल्टेज 0 है, यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपको V2 - 0। रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा, जो वोल्टेज है इसके क्रॉस और रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, V2 - 0 हमने लिखा है, इसलिए V2 से 0 की तरफ करंट का डायरेक्शन होगा, यानी कि नोड से दूर जा रहा है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। और जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं इससे जो भी ब्रांच कनेक्टेड है सभी का करंट हमने लिख लिया, उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार। तो यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, यानी कि जब हम
नोड टू पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -6 + V2 - V1 / Y2/3 + V2/5/3 = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, V2 को एक जगह कर लेंगे, V1 को एक जगह कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3V2/2 यहाँ से आपको आ जाएगा, ये रिवर्स होगा, 2/3 जब उल्टा होगा तो 3V2/2 हो जाएगा और -3V2/V1 भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3/5V2 है और 6 को हम राइट हैंड साइड में कर दिए। इसको अब हम V1 को हम पहले लिख लिए, LCM वगैरह इसमें आप लीजिएगा, V2 वाला दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा -15V1 + V2 = 60। तो एक इक्वेशन हमें ये मिला था और ये इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दो इक्वेशन हमें मिल गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो हम पाएंगे क्या कि V1 का वैल्यू हमें आएगा 116/27 और V2 का वैल्यू आएगा 160/27। यानी कि V1 और V2 का वैल्यू उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया। जब V1 और V2 का वैल्यू पता चल गया और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था कि 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, तो जो सर्किट था हमारा उस सर्किट में आपका जो 5/3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे था, 5/3 ओम वाला रेजिस्टेंस था और यहाँ पर का जो वोल्टेज है ये आपका V2 था। यानी कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो V2 और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे वही करंट होगा। तो जो वोल्टेज है वो V2 - 0 यानी कि सिर्फ V2 है और रेजिस्टेंस है 5/3, तो V2 को 5/3 से भाग लगाएंगे तो वही हमें करंट पता चलेगा। तो V2 का वैल्यू हमने निकाल के लाया है 160/27, रेजिस्टेंस है 5/3, जब डिवाइड करेंगे तो हमें करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। 5/3 जो है ये आप हो जाएगा आपको 3/5 हो जाएगा ऊपर आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 32/9 एम्पियर। तो हमने इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किए, दोनों मेथड से जो 5/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट है वो सेम आ रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2, डिटरमाइन आई इन द सर्किट सोन, यानी कि जो सर्किट दिखाया गया है इस सर्किट में आई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। आई जो है आपका यहाँ पे करंट है जो फ्लो कर रहा है, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो सर्किट है इसमें अगर हम देखें तो एक जो है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है 12 वोल्ट का, लेकिन ये जो है यह एक वोल्टेज सोर्स ही है लेकिन ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यानी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यानी कि ये कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये किसी अनदर क्वांटिटी V1 के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। और V1 कहाँ का वोल्टेज है, V1 जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पर जो नोड है और इन दोनों नोड्स के बीच जो वोल्टेज है V1 उस पर ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। तो इस सर्किट में आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और इस सर्किट में हमें I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो सर्किट में ही आपका दिया हुआ है कि ये वोल्टेज जो है वो V1 है, यानी कि यहाँ पर का नोड का वोल्टेज जो है इस रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज V1 है। ये कहने का मतलब वही हुआ, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 0 है तो यानी कि यहाँ पर का वोल्टेज आपका V1 है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और ये 12 वोल्ट है, इसका मतलब है कि ये वाला जो नोड है और ये वाला जो नोड है इन दोनों नोड का डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। तो यहाँ का चूंकि 0 वोल्ट है, ये रेफरेंस नोड है, तो इसलिए यहाँ पर का वोल्टेज है आपका 12 वोल्ट। तो जब यहाँ पर का वोल्टेज आपको 12 वोल्ट पता है, यहाँ पर का वोल्टेज आपको V1 पता है, तो हम I का वैल्यू V1 का टर्म में निकाल सकते हैं। जब दो नोड का वोल्टेज पता है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें I का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी कि इस सर्किट को देख के हम लिख सकते हैं कि I = होगा, I जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है ये 12 वोल्ट से लेके V1 की तरफ है, यानी कि इसको हम हायर वोल्टेज मानेंगे, तो 12 - V1 ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, रेजिस्टेंस से हम भाग लगा देंगे तो रेजिस्टेंस से भाग लगाने के बाद हमें करंट का वैल्यू पता चलेगा। यानी कि हम इस सर्किट को देख के लिख सकते हैं I = 12 - V1/2। उसके बाद क्या है कि हम एक
इस लूप में, ये जो हमारा लूप है इसमें हम किरचॉप्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करते हैं। हमें इक्वेशंस चाहिए, जितने अननोन क्वांटिटी होगी उतने हमें इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज है उसका अल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए किरचॉप्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार। तो हम पहले इस ब्रांच का वोल्टेज लिखते हैं, तो ये दो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो इसके यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, और जितना करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस इनटू करंट यही वोल्टेज होगा। तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 2i, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है i, और जो करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। तो लूप का डायरेक्शन में हमें प्लस, पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। उसके बाद अब हम इस 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज लिखेंगे, तो 6 × i होगा क्योंकि करंट उतना ही फ्लो कर रहा है 6 × i, और इसमें भी जो करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद हम इसका क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज हमें, ये वोल्टेज सोर्स ही है इसलिए यहाँ का वोल्टेज है 2V1, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी लूप का डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं, जो लूप का डायरेक्शन है तो पहले माइनस मिल रहा है फिर प्लस मिल रहा है, इसका हम माइनस में लिखेंगे। इसमें कोई रेजिस्टेंस या सोर्स नहीं कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज 0 है। अब हम लूप के डायरेक्शन में चलते हुए यहाँ पे पहुँचे, तो पहले माइनस मिल रहा है फिर प्लस मिल रहा है, तो इसको हम -12 लिखेंगे, ये वोल्टेज ही है। यानी कि इस लूप में जो भी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं उसके अक्रॉस हम वोल्टेज लिख लिए, और किरचॉप्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार इसका अल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो सोल्यूशन हम इसका करेंगे पहले लिखे हैं फ्रॉम द गिवन सर्किट, दिए गए सर्किट से हमने ये पता किया कि आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं 12 - V1/2, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया इसको। उसके बाद हमने जो लूप है उस लूप में हम KVL अप्लाई किए, जब KVL अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2i + 6i - 2V1 - 12 = 0, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो एक इक्वेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा इक्वेशन आपको ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, i के जगह पे हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि i का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो बात सेम ही है। तो यहाँ 2i और 6i मिलके 8i है, तो 8 और i का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया 12 - V1/2 -2V1 = इसको राइट हैंड साइड में कर दिए तो = 12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 8 = 4 में कट गया, तो 12 × 48 -48 - 4V1 और -2V1 यहाँ भी है, यानी मिलके हो गया -6V1 = 12। यहाँ से हम जब हम 6V1 को राइट हैंड साइड में करेंगे तो हो जाएगा आपको 6V1 = 12, जो है इधर आके घट जाएगा, 48 में से घट जाएगा तो आपको 36 बचेगा, और यहाँ से जब हम V1 निकालेंगे तो लिख सकते हैं 36/6, यानी कि ये कटेगा 6 बार में, तो V1 = हमें 6 आया, यानी कि जो V1 का वैल्यू है वो 6V है। उसके बाद करंट का वैल्यू हमें निकालना है, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए जो ये इक्वेशन था, यानी i = 12 - V1/2, ये हमने अभी लाया था, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो इसमें हम जब हम V1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, V1 का वैल्यू चूँकि हम निकाल चुके हैं और हमें i का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए V1 का वैल्यू इसमें पुट करना होगा, तो हमें करंट का वैल्यू पता चलेगा, तो करंट = हो जाएगा 12 - V1/2। ये तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट हम लिखे हैं, यहाँ पे V1 के जगह पे हम 6 फुट किए, तो आपका हो गया 12 - 6/2, तो ये घट करके आपको हो गया 12 में से 6 गया तो 6/2, यानी कि 3 एम्पियर। यानी कि वो जो करंट सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन जो दिखाया गया है जहाँ पे i लिखा हुआ था, वहाँ पे i के जगह पे 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें पता चल गया। तो यही हमें उस सर्किट में i का वैल्यू हमें पता करना था। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे का जो प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।